हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अमित भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्वांटम एकेडमी फिजिक्स। ज्यादा देर ना करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो लेक्चर है इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज जो है हम सेवंथ लेक्चर पर आ चुके हैं बच्चों, और इससे पहले हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3D, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, शेल्स, बड़ा कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया हमने इस चैप्टर में। और आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, चलो करते शुरुआत। पहली चीज जो आपने समझनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि भाई एक पॉइंट चार्ज है या इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो मैं बोलूंगा भाई नॉट डिफाइंड, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि इसकी अगर डेफिनेशन पर मैं आऊं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे आएंगे फिर मैं बताता हूं कि नोटिफाइंग क्यों है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कहीं ना कहीं एनर्जी का जब भी जिक्र होगा तो हम वर्क डन की बात जरूर करेंगे, है ना, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। ये बात आपको छोटी क्लासेस में बताई गई थी। तो व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग पॉइंट चार्जेस फ्रॉम इनफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस। जब मैं दो या दो से ज्यादा पॉइंट चार्जेस को दूर दूर से पकड़कर उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर लेकर आऊंगा या असेंबली करूंगा, जैसे कि सपोज कि भाई एक चार्ज को लेकर आया मैं कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश में, एक चार्ज को लेकर आया मैं जम्मू कश्मीर से दिल्ली में, और एक चार्ज को मैं लेकर आया अरुणाचल प्रदेश से यूपी में, और भाई अलग अलग डिस्टेंस से, अलग अलग दूरी से लाकर उनको एक मैंने पर्टिकुलर ट्रेंगुलर, एक ट्रेंगुलर डिस्टेंस में बोल सकते हो, एक ट्रेंगल फॉर्म कर दिया, एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया, अगर चार चार्जेस हैं उनको मतलब कुछ दूरी पर रख दिया इनफिनिट से लाकर। अब उन चार्जेस को लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा, चलो एक बार हम बोर्ड पर देखते हैं, मेरे कहने का मतलब क्या है। इनफिनिट पर यहां पर एक चार्ज है Q1, बहुत दूर, यहां पर कोई चार्ज है Q2, यहां पर कोई चार्ज है Q3, तो भाई इसको मैं मूव करके यहां पर लेकर आया पहले Q1, फिर इसको मैं मूव करके यहां तक लेकर आया Q2, इसको मूव करके मैं यहां पर लेकर आया Q3, ठीक है। तो इनको असेंबल करने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा तो वो वर्क डन मेरा स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्प्रिंग को भी कंप्रेस करना है तो आपका जो वर्क डन है वो किस में स्टोर हो जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्योंकि जब एक चार्ज कहीं जाएगा, ठीक है, और उसके बाद मैं दूसरे चार्ज को उसके पास करीब लेकर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल वर्क डन करना है उस फोर्स के अगेंस्ट ताकि मैं चार्ज को मूव करा सकूं। तो मेरा यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो अभी बस डेफिनेशन पे बात करेंगे हम। इसकी डेफिनेशन को अगर चाहो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिखूंगा क्या, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग पॉइंट चार्जेस फ्रॉम इनफिनिट टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस। ठीक है भाई, अच्छा तो अब पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये वैलिडिटी कब है? सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, कि भाई मैं दो या दो से ज्यादा चार्जेस को लेकर आ रहा हूं। सिंगल चार्ज को तो कहीं मर्जी ले जाओ, उस पर सिंगल चार्ज को तो कैसे मर्जी मूव करा लो, उसकी एनर्जी कैसे हो सकती है? कुछ भी नहीं। जब तक सामने कोई चार्ज नहीं होगा या कोई चीज अपोज करने के लिए नहीं होगी तो नेट वर्कडन देखो, वर्कडन में क्या आता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ठीक है। अब कोई अगर सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर ही नहीं पाओगे कभी भी। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तब डिफाइन होगी कि भाई अगर यहां पर कोई चार्ज है और मैं इस चार्ज को इसके पास लेकर जाना चाह रहा हूं, लेकिन ये इसको क्या धकेल रहा है, भाई नहीं तू दूर जा, और मैं फिर थोड़ा सा एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा हूं और इसको क्या कहीं ना कहीं यहां पर फिट कर रहा हूं, और अब इस सिस्टम के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी है मैंने। समझ पा रहे हो? सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। समझते हैं अब टू पॉइंट चार्जेस के लिए बात। देखो भाई दो रिस्पेक्टिव लोकेशंस में ले लेता हूं, एक लोकेशन है पॉइंट ए और एक लोकेशन है पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज R1 वेक्टर एंड दिस इज R2 वेक्टर। इनफाइनाइट से किसी Q1 चार्ज को मैं लेकर आया पॉइंट ए पर, इनफाइनाइट से, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम
इंफिनिटी टू पॉइंट ए इज जीरो। जीरो क्यों है अभी बता देता हूं। वोगडन का फॉर्मूला क्या कहीं ना कहीं वी क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। चार्ज कौन सा लेकर आ रहा हूं, क्या वन। लेकिन यहां पर क्या कोई और चार्ज प्रेजेंट है? नहीं है कोई और चार्ज, तो यहां प्रेजेंट है नहीं। और तो अगर कोई और चार्ज प्रेजेंट है तो यहां पर ना कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट करता किसी चार्ज का, तो यहां पर नेट वर्कडन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या दूसरे भाषा में समझाऊं आपको तो भाई मुझे यहां पर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एफ एक्सटर्नल क्या होगा, कुछ भी नहीं। एफ एक्सटर्नल क्यों नहीं होगा, कुछ भी, क्योंकि कोई इसको फोर्स यहां से नहीं लग रहा है ना। अगर यहां से फोर्स लग रहा हो तो मुझे कुछ वर्कडन कराना पड़े इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो इसलिए पहले चार्ज के लिए कोई वर्कडन नहीं होगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो जब ये चार्ज यहां पर आकर बस जाएगा और मैं चाहता हूं कि मैं किसी Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर सेट करूं, तो ये जो Q1 चार्ज है, ये जो Q1 चार्ज है इसको धकेलना चाहेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। और अगर मुझे एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ रहा है तो आप इस बात को जानते हो पहले से कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन चार्ज इज बेसिकली इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसका है यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, क्यू वन का। तो क्यू वन के लिए मैं क्या लगा दूंगा यहां पर, वी वन। तो यानी कि मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू एक्सटर्नल किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा वी वन इंटू में क्यू टू के इक्वल। तो यानी कि फर्स्ट चार्ज के लिए तो कोई विरोध नहीं है यहां पर, लेकिन सेकंड चार्ज को जब मैं फर्स्ट के पास लेकर जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए, जो उसको रिपेल करना चाह रहा है। सेम चार्ज को देखो ना, सेम नेचर तो रिपेल करना चाह रहा है उसको। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, यहां पर वी वन, वी वन की वैल्यू क्या होगी, के क्यू वन। अच्छा ये आर वन है, ये आर टू है। यहां से यहां की तरफ अगर मैं देखूं तो इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगा, आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट वैक्टर दे सकता हूं मैं, आर टू माइनस आर वन। अगर मैं वन से टू की तरफ देख रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, आर वन टू वैक्टर, अगर मैं इसको वैक्टर में लिखना चाहूं डिस्प्लेसमेंट को। अदरवाइज मैं आर वन टू लिखू डजंट मैटर, वो भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं पोजिशन वैक्टर के साथ कैसे खेल खेल रहा हूं यहां पर। तो v1 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर, के क्यू वन आर वन टू वेक्टर, है ना। और साथ में क्या लगा हुआ है यहां पर, q2। तो फॉर टू पॉइंट चार्जेस जो नेट वर्क डन मुझे मिला, नेट वर्क डन मुझे क्या मिला, इट इज w एक्सटर्नल इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसको आप ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे लिख दो कि Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर, दोनों ही बातें ठीक है। तो क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं इस W एक्सटर्नल को पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं, क्योंकि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग और असेंबलिंग द पॉइंट चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन। हियर आई एम डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, सो I can write this W external is stored in the form of potential energy for two particle system, right? So what is the expression for two particle system potential energy? You can simply write it U. It will be K Q1 Q2 upon R. General form बिल्कुल K Q1 Q2 by R. Potential क्या था? K Q by R. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। फोर्स क्या था, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। समझ पा रहे हो कितने आइडेंटिकल फॉर्मूला चाहिए, राइट। आई होप बच्चा कि आपको ये चीज समझ आई होगी। इसको एक हेडिंग दे सकते हो आप यहां पर कि एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम या टू चार्जेस। मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो इसको, अदरवाइज मैं आपको इसके प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स। तो इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों अभी। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, ग्राफ भी देख लो जरा, ग्राफ भी आपको बनाकर दे देता हूं मैं। सी की पॉइंट क्या, इफ बोथ चार्जेस
पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, या मैं बोलूं कि दोनों का अगर नेचर सेम है, उस केस में जो आपको यू वर्सेज आर ग्राफ मिलेगा बच्चों, वो ऐसे मिलेगा इस तरह से, राइट। इफ टू चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर, तो जो आपको ग्राफ मिलेगा बच्चों वो कुछ ऐसा मिलेगा इस तरह का, है ना। नेगेटिव है ना, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इट विल बी माइनस यू, कहीं ना कहीं है ना, नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, नेगेटिव, इसलिए मैं नेगेटिव एक्सिस यूज कर रहा हूं, यहां पर क्या है पॉजिटिव। तो ग्राफ्स का खास ध्यान रखना, तो इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मैं तब तक क्लैरिटी चेक करता हूँ कि क्या आपको वीडियोस विजिबल होगी। वाह, क्लैरिटी तो बहुत अच्छी आ रही है। सो नाउ बच्चा, वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री चार्जेस सिस्टम, राइट। टू चार्जेस सिस्टम आपने देख लिया, थ्री चार्जेस के लिए एक बार देख लीजिए, वो भी बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है किसी चीज में भी। देखो सेम है वही, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में ही आपको समझा रहा हूं, ताकि इजी रहे थोड़ा सा। अब मैं यहां पर तीन पॉइंट मार्क कर लेता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है भाई। और इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं आर वन वैक्टर, आर टू वैक्टर और आर थ्री वैक्टर, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चा, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस होगा, और यहां से यहां तक का भी कुछ ना कुछ क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मैं वेक्टर टर्म्स में देखूं तो। मैं ए बी को लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, अभी ए बी को मैं लिख रहा हूं आर वन टू, बी सी को लिख रहा हूं मैं आर टू थ्री, और मैं ए सी को लिख रहा हूं आर वन थ्री। अगर मैं वेक्टर लगाऊं यहां पर तो इट विल बी आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, इट विल बी आर थ्री वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, इट विल बी आर थ्री वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल देखते हैं, तो ये मैंने साइड में पहले लिख दिया कि चलो अब इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास थ्री चार्जेस है, क्यू वन यहां पर है इनफिनिट डिस्टेंस पर, एक Q2 यहां पर है कहीं दूर, और एक Q3 यहां पर। अब इस कहानी को थोड़ा ऐसा समझते हैं कि मान लो ये एक प्रॉपर्टी देखी जिस पे किसी का भी हक नहीं है, अभी गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि एक प्रॉपर्टी ऐसी कोई। तो सबसे पहले एक पहला इंसान आया, पहले इंसान जब यहां पर आएगा इसको यहां रोकने के लिए कोई भी नहीं है, है ना। अगर कोई रोकने के लिए नहीं है तो इसको भी कोई एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। अगर इसको कोई एफर्ट नहीं करने पड़े तो इसके लिए पहले चार्ज के लिए, ये तो हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था जब टू पार्टिकल के लिए किया था हमने इसको, तो W1 is work done in bringing Q1 charge at A. तो work done W1 क्या है? जीरो है, क्योंकि यहां कोई और चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। इसको मैं यहां पर लेकर आऊंगा तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए work done क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सेकेंड चार्ज को यहां पर लेकर आऊंगा, है ना, इससे R12 डिस्टेंस दूर, सेकंड चार्ज को जब लेकर आऊंगा तो मुझे Q1 चार्ज के फोर्स का सामना करना पड़ेगा, तो जिसके फलस्वरूप जिसके लिए मुझे Q2 को धकेलना पड़ेगा। तो मैं एक्सटर्नल वर्क करूंगा कुछ ना कुछ यहां पर। तो अब इसको मैं नाम दे रहा हूं W12, है ना। मतलब कि W12 क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया सेकंड चार्ज को फर्स्ट चार्ज के पास लाने के लिए। तो इसको मैं क्या लिखूंगा W12 को, कि भाई यहां पर पोटेंशियल है V1 का और चार्ज में जो लेकर आ रहा हूं वो कौन सा है, Q2, है ना। V1 के पोटेंशियल और Q2 का मैं यूज कर रहा हूं, या ऐसा बोलूं, मैं ऐसा बोलूं कि भाई वर्क डन ऑन चार्ज Q1, वर्क डन ऑन चार्ज Q1 इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफिनिट टू दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू 1, है ना। पोटेंशियल Q1 का यहां पर होगा तो इसलिए पोटेंशियल किसका है, 1 का। तो अगर हम मुझे ऐसे डिफाइन करना हो तो यहां पर बच्चा W12 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
यहाँ पर टू आएगा, सॉरी वी वन क्या टू, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट विल बी के क्या अपोन में आर वन टू और क्या टू लगा दूंगा यहां पर ऐसे, है ना। तो डब्ल्यू वन टू की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, के क्यू वन क्यू टू अपोन में आर वन टू। तो इस तरह से मैंने क्या डब्ल्यू वन टू कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी तो एक तीसरा चार्ज भी प्रेजेंट है। अब इस बंदे को यहां पर रहने के लिए इसका थोड़ा सा विरोध का सामना करना पड़ा। अगर मैं तीसरा चार्ज लेकर आऊंगा, क्या तीसरे चार्ज को इन दोनों से लड़ना पड़ेगा कि भाई नहीं मैं भी यहीं पे रहूंगा, क्योंकि जितने लोग ज्यादा आएंगे यहां पर उतना ये प्रॉपर्टी क्या डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो अब अगर क्या उथरी को भी मैं लेकर आता हूं यहां पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से, है ना, क्या उथरी को भी यहां पर असेंबल करना चाह रहा हूं। अब क्या उथरी के लिए, क्या उथरी के लिए अब ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, थ्री पार्टिकल सिस्टम, थ्री पार्टिकल या थ्री चार्जेस सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन वन टू थ्री, है ना। इनों की वजह से अगर पोटेंशियल एनर्जी मैं निकालू तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, देखो क्या टू को लेकर आ रहा हूं मैं, वी वन की वजह से मुझे क्या यहां पर, या ऐसे डिफाइन करूं मैं इसको, डब्ल्यू वन टू थ्री का मतलब कहीं ना कहीं ये होगा, अगर आप इसको ध्यान से समझो, डब्ल्यू वन थ्री प्लस डब्ल्यू वन टू, इसका ये मतलब हुआ कि भाई पोटेंशियल वन का चार्ज क्यू थ्री है, इसी तरह से पोटेंशियल यहां पर टू थ्री आना चाहिए, सॉरी यहां पर पोटेंशियल टू का और चार्ज अभी भी क्या है क्यू थ्री, यानी कि क्यू थ्री यहां पर आ गया। एक तो इसको ये धकेल रहा है और एक उसको ये भी धकेलना चाहेगा, तो मुझे क्या दोनों को ओवरकम करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, इसके पोटेंशियल भी यहां पर, इसका पोटेंशियल भी है, है ना। तो टोटल पोटेंशियल कितना था, वी वन प्लस वी टू, चार्ज कौन सा लेकर आ रहा हूं क्यू थ्री। तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता था कि भाई टोटल पोटेंशियल कितना है, V1 plus V2, चार्ज कौन सा यहां पर लेकर आ रहा हूं Q3, तब भी यही बात बन जाएगी, V1 Q3 plus Q2, V2 Q3। तो अब इसको अगर मैं सिंपलीफाई करके लिखूं बेटा, देखो क्या होगा यहां पर, V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K Q1 R13, ठीक है, 1 3 की बात करूं तो R13, ये डिस्टेंस जो है R13 है, डिस्प्लेसमेंट देखो तो R3 माइनस R1 है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में, प्लस 2 3 के लिए क्या यूज करूंगा, KQ KQ2 Q3 अपॉन में R23, है ना। KQ2 by R23 तो क्या हो गया, इसका पोटेंशियल हो गया यहां पर। अगर KQ2 by R के टर्म्स में देखो तो KQ2 by R क्या होगा, पोटेंशियल, और Q3 को लेकर आ रहा हूं तो ये चीज, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो टोटल W1 2 3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ही आ गई, ठीक है। और कोई चार्ज तो आप लेकर आने गए यहां पर, सिर्फ ये तीन चार्जर लेकर आने थे। हमारे एक्सप्रेशन का नाम यही है कि भाई कैन ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री चार्जेस। तो अब टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी W1 प्लस W2 प्लस W1 2 3, यानी कि 0 प्लस के क्यू वन क्यू टू अपोन में आर वन टू प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपोन में आर वन थ्री प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपोन में आर टू थ्री। सो दिस इज अवर रिजल्ट। तो काइंडली नोट डाउन दिस, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर थ्री पार्टिकल्स थ्री चार्जेस, राइट। इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को अंजाम देने बच्चों। अभी मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, तब तक आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो। अगेन एक छोटा सा मैं रिकैप दे रहा हूं, W1 यानी कि पहले चार्ज के लिए कोई वर्क डन नहीं, दूसरे चार्ज को लेकर आऊंगा तो इसका पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा, तीसरे चार्ज को लेकर आऊंगा दोनों के पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा। टोटल पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखूंगा टोटल पोटेंशियल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वी वन वी टू इसकी वजह से, वी वन इसकी वजह से, और लेकर किसके आ रहा हूं, क्यू थ्री को लेकर आ रहा हूं। तो वी वन प्लस वी टू इंटू में क्यू थ्री कर दूं वो भी ठीक है, और अगर ऐसे करना चाहूं तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए बच्चों। तो बच्चों आपके सामने भी क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देयर आर थ्री पॉइंट चार्जेस, वन कूलम टू कूलम एंड थ्री कूलम विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब भी मैं फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करूंगा हमेशा मैं एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। अब यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गए, तो एक काम करता हूं पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ही लेता हूं,
लो जी ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है ओके। हमको ये बताना है और चार्जेस को भी प्लेस कर देते हैं, वन टू और थ्री है, लो वन कूलम टू कूलम थ्री कूलम। मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं अरेंजमेंट को चेंज कर दूं, कोई फर्क पड़ने वाला था? अगर मैं वन कूलम को यहां ले लूं क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? आंसर है नो। इस बात का आंसर हमने जाना था कि भाई अगर आप ओरिएंटेशन को चेंज कर दो, असेंबली को चेंज कर दो, असेंबली को चेंज मतलब इंटरचेंज कर दो पोजीशंस को चार्जेस की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर स्केलर क्वांटिटीज। इनकी कोई डायरेक्शन तो है नहीं, डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वही का वही रहेगा। आगे देखो तो ठीक है, अब उसके बाद क्या कि हमको ये बताने कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर मैं इनको कॉर्नर से खिसकाना स्टार्ट करूं और एक स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ले आऊं जिसकी साइड 0.5 मीटर है। ओके पहले साइड कितनी है 1 मीटर। तो भाई देखो इनिशियली ये सभी चार्जेस एक दूसरे से एक एक मीटर की दूरी पर थे, लेकिन फिर क्या कि इस चार्ज को थोड़ा सा खिसकाया नीचे की तरफ, इस चार्ज को यहां खिसकाया, इस चार्ज को यहां खिसकाया और ऐसे एक हमने इस तरह से एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जिसकी जो साइड है वो है 0.5 और 0.5। मुझे बताने कि इस दौरान वर्क डन मुझे कितना करना पड़ा। भाई अगर आपको पता हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम नाम की कोई चीज है वो हर जगह वैलिड है, हर एनर्जी के लिए वैलिड है। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी देखो एक चीज देखो, पहले इनकी असेंबली जो थी 111 मीटर का डिस्टेंस था, बाद में कितना होगा डिस्टेंस हाफ ऑफ कर दिया, तो कहीं ना कहीं इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी छोड़ो, पहले काम करता हूं ना, मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इसमें इनिशियल एनर्जी को काउंट करता हूं। इनिशियल एनर्जी कैसे काउंट करेंगे, तीन चार्जेस है यहां पर, फॉर्मूला क्या है के क्यू वन क्यू टू बाय में आर वन टू प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन में आर वन थ्री प्लस के क्यू वन सॉरी क्यू टू क्यू थ्री क्यू वन क्यू टू हो गया, क्यू वन क्यू थ्री हो गया, तो बचा क्या क्यू टू क्यू थ्री अपॉन में आर टू थ्री। आप सबको पता है कि ये वाली वैल्यू तो 111 मीटर है, ऐसे ही में सारा कुछ गिवन है ऑलरेडी, और सब में से कॉमन क्या है, के कॉमन है सब में से, तो के डिवाइड बाय 1 को बाहर निकालो, अंदर Q1 Q2 Q1 Q2। अब इसको अगर आप Q1 ले रहे हो, इसको Q2 ले रहे हो और इसको Q3 ले रहे हो, तो देखो Q1 into Q2 क्या हो जाएगा, 1 into में 2 1 multiply 2 plus Q1 Q3 1 into में 3 plus Q2 Q3 3 into में 2। ये चीज आ गई आपके पास, तो ये वैल्यू कितनी आई 2 plus 3 plus 6। तो उसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा भाई 2 प्लस 3 प्लस 6 यानी कि 11 के आ गई, है ना। यू इनिशियल की वैल्यू, यू इनिशियल की वैल्यू कितनी आ गई 11 के। आगे अब अगर मैं यू फाइनल कैलकुलेट करूं, यू फाइनल में ना देखो अगर मैं शॉर्टकट लगाऊं यू फाइनल में क्या हो गया कि डिस्टेंस जो ये वाली वैल्यू है सारी की सारी हाफ हो गई है। अगर ये सारी वैल्यू हाफ हो गई तो देखो रिजल्ट में क्या फर्क पड़ने वाला, चार्जेस तो वही है ना। देखो यहां पर के 1 इंटू 2 एज इट इज रहेगा, 1 इंटू 3 एज इट इज रहेगा, 3 इंटू 2 भी एज इट इज रहेगा, लेकिन जहां पर 1 था यहां पर क्या जाएगा 1/2। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर रहा हूं तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी मिली आपको, uf इज इक्वल टू 22 के मिल जाएगी जब सोल्व करोगे। और क्या एनर्जी का डिफरेंस ही वर्क डन होता है? देखो फाइनल एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल एनर्जी कम थी, चार्जेस जब दूर दूर होंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, चार्जेस को पास लेकर आओगे, आर के वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, आर की वैल्यू कम कर दी तो एनर्जी ज्यादा हो गई। तो आपका जो वर्क डन होगा बच्चों, वर्क डन क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि 22 के माइनस 11 के इट विल बी 11 के। 11 के का मतलब क्या, के की वैल्यू ओपन कर दो यहां पर 9 इंटू 10 टू पावर 9 और आंसर क्या होगा, जूल में होगा, एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आ सकता है और नीट जैसे एग्जाम में भी मिल सकता है। आई होप कि आपको ये एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक दो क्वेश्चन नोट देखते हैं ताकि हमारा टॉपिक जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए बच्चों आप। सो वन मोर क्वेश्चन इज देयर बच्चों, क्वेश्चन इज कि अगर एक माइनस क्यू चार्ज, एक कैपिटल क्यू चार्ज,
एक माइनस क्यू चार्ज एक ही लाइन के ऊपर प्रेजेंट है और कैपिटल क्या हो जस्ट मिडिल में है दोनों के, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आ रहा है और उस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस भी आ रहा है, तो क्या बाय क्यू मतलब कैपिटल क्या बाय स्मॉल क्या का रेशो क्या होना चाहिए अगर ये पूरा सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। रेशो फाइंड आउट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। देखो इसको मैं क्यू वन नाम दे देता हूँ, इसको क्यू टू नाम दे देता हूँ और इसको क्यू थ्री नाम देता हूँ ताकि हमारे को फॉर्मूले में पुट करना इजी लगे। ये तीन पार्टिकल सिस्टम है तो आंसर है यस। थ्री चार्जेस के लिए आप क्या करोगे, टोटल एनर्जी क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू बाय में आर वन टू प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन में आर टू थ्री प्लस के क्यू थ्री क्यू वन अपॉन में आर थ्री वन। अच्छा अब U को तो जीरो के इक्वल लिखना है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो नीचे। अब देखो Q1 Q2 यानी कि अब एक काम करो ना, अब यहां पर जो K है K कॉमन लेकर जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो के साथ डिवाइड करा दो तो अब ये मिल गया आपको सिस्टम में R1। अब देखो यहां पर एक बात, Q1 Q2 यानी कि माइनस क्यू इंटू क्या हो जाएगा माइनस क्या क्यू अपॉन में आर वन टू, ये डिस्टेंस कितना है आर, प्लस Q2 Q3 यानी कि ये भी क्या हो जाएगा माइनस क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस भी कितना है R, उसके बाद Q3 Q1 ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2R, ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है 2R। अब यहां से इस R को कॉमन लेकर मैं यहां पर जीरो से मल्टीप्लाई करा दूं यानी कि ये आ गया। अब एक चीज देखो जरा, यहां पर आपको मिल रहा है यहां पर माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू यानी कि हो जाएगा माइनस टू क्यू इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास माइनस टू क्यू क्यू प्लस क्यू, अगर मैं ऐसे कर दूं यहां पर बच्चों और इसमें से क्यू को कॉमन ले लो तो बिल्कुल ठीक है। अब ये जो क्यू है ये इधर आ जाएगा जीरो अपॉन में क्यू, तो ये भी जीरो हो गया, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, आपके पास बचा माइनस टू क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, है ना, माइनस टू क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो यानी कि माइनस टू क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, और अगर मुझे क्यू अपॉन में क्यू का रेशियो निकालना है तो मेरे अकॉर्डिंग वन रेशियो टू आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लो, ठीक है। देखो Q1 Q2 Q1 Q2 के लिए माइनस Q2 क्यू करा तो ये आ गया आपके पास Q1, अच्छा Q2 Q3 करा तो यहां पर आपके पास क्या गया माइनस क्यू क्यू आ गया, ठीक है, ओके ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया क्यू स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे नीचे से आपने आर को इधर भेज दिया, अच्छा नहीं ये हमसे गलती हो गई, यहां पर एक बहुत बड़ी गलती हमने कर दी है। देखो यहां पर हमने इसका एलसीएम ले लिया बच्चों, एलसीएम लेना जरूरी है, ये गलती कर दी हमने यहां पर, कोई बात नहीं, देखो गलती को तो सुधारा जा सकता है। क्या स्क्वायर बाय टू, अब ये टू यहां पर देखो वन वन है, अगर मैं एलसीएम टू ले लू इन से इसको देखो दोबारा से, मुझे लग ही रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है यहां पर, एलसीएम टू आ गया, अब ये क्या हो जाएगा माइनस टू क्यू क्यू, ये क्या हो जाएगा माइनस टू क्यू क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये टू इधर चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा, अब यहां पर क्या जाएगा माइनस फोर क्यू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, बस अब यहां पर सारा सिनेरियो वही रहेगा, बस यहां पर क्या जाएगा बच्चों फोर, इसमें से क्यू कॉमन ले लो, ठीक है। तो इस बार जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों वन रेशियो फोर, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक को थोड़ा सा सही कर लेना। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं अभी इसके ऊपर, तो जो सामने आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, हालांकि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी एक असाइनमेंट की प्रॉब्लम है जो बच्चों की तरफ से मेरे पास आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना डिस्कस कर ली जाए। इजी क्वेश्चन है, नीट ने एक आधी बार आया हुआ क्वेश्चन ये वाला, मतलब इससे मिलता जुलता पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है एक्चुअल में। एन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड टू वी वोल्ट, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो पहले n आइडेंटिकल ड्रॉप्स थी, देखो जरा मैं कुछ आपको कहानी सुना रहा हूं पहले, इस तरह से ये कंबाइन हुई जिससे एक बड़ी ड्रॉप बन गई, इसका पोटेंशियल v है, इन ड्रॉप्स की रेडियस स्मॉल r है और इन सभी ड्रॉप्स पर चार्ज q है,
ठीक है, ये है इसकी कहानी। बाद में क्या हुआ, बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल VB हो गया, बड़ी ड्रॉप की रेडियस कैपिटल R हो गई, और बड़ी ड्रॉप पे चार्ज भी क्या हो गया, कैपिटल क्या हो, जो कि इन चार्जेस का टोटल है। टोटल चार्जेस के एन क्या हो जाएगा, अगर मैं सबको ऐड करूं, आइडेंटिकल चार्जेस है, 1+1+1+1+1 एन टाइम्स 1 हो गया, क्या प्लस क्या प्लस क्या प्लस क्या एन टाइम्स क्या हो गया। ठीक है, तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं सबसे पहले रेडियस में। स्फेरिकल ड्रॉप है भाई, स्फेरिकल ड्रॉप, तो देखो एन ड्रॉप्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम की मिलकर क्या बनाएगी, एक बड़ी ड्रॉप 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम की। तो मैं जब ये 4/3 पाई से 4/3 उड़ा दूंगा बच्चों, तो यहां पर आएगा एन आर क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब। तो अगर मुझे बड़ी ड्रॉप को यूज करना है, अब देखो ध्यान से, अगर मुझे बड़ी ड्रॉप को यूज करना है तो रिलेशन क्या आएगा यहां पर, एन की पावर 1/3 टाइम्स आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, है ना। अगर मैं इस क्यूब को वहां शिफ्ट कर दू, वहां से क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो चलो आर आ गया, एन की पावर 1/3। तो वी बी निकालते हैं, पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप, इट विल बी व्हाट, के क्यू अपॉन में आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल फॉर बिगर ड्रॉप, सफेद है। तो ये हो जाएगा के, है ना, के क्यू की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, एन की एन क्यू, है ना, एन क्यू लिख दूंगा इस तरह से, अपॉन में आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एन की पावर 1/3 इंटू में स्मॉल आर। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, देखो जरा वी बी सिंप्लीफाई करूं, कि एज इट इज ये 1/3 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एन की पावर 2/3, यहां पर क्या हुआ है, नीचे क्या बचेगा आर, तो क्या ये एन की पावर 2/3 टाइम्स के क्यू बाय स्मॉल आर आ गया यहां पर, और ये के क्यू बाय आर किसके इक्वल है, स्मॉलर ड्रॉप के पोटेंशियल के इक्वल है ना। स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल अगर निकालू, इनका किसी भी एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय आर। तो रिलेशन क्या मिला, ये रिलेशन गोल्डन रिलेशन, इसको याद रखना, जो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल होगा हमेशा वो क्या होगा, एन की पावर 2/3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता भाई 64 ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, उसका पोटेंशियल बताओ, अगर आपको छोटी ड्रॉप का पता है तो आपने क्या करना है, 64 की पावर 2/3 इंटू में छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और आई होप कि आपको मजा आया होगा आज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने समझानी थी, ये प्रॉब्लम मैंने एडिशनल ले ली। अगली वीडियो में मैं अब कंबाइंड डाउट्स लूंगा, कंबाइंड डाउट्स या कंबाइंड एक असाइनमेंट की तरह मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक। अच्छा, अब मैं आपको अगले लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि अगर 3 चार्जेस का सिस्टम है और उसके ऊपर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बिखेर दिया, मतलब देखो अब मैं आपको क्या बताऊंगा, अगले लेक्चर में Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन मैं अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो वो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टॉपिक बन जाता है, और वो टॉपिक करने में मजा भी आएगा। तो आज हम एक क्विज क्वेश्चन देते हैं आपको। सो टुडेज क्विज क्वेश्चन इज कि भाई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नजर आ रहा है मुझे, तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज इज पॉइंट ए एट पॉइंट ए, माइनस क्यू चार्ज इज एट पॉइंट बी, एंड क्यू नॉट चार्ज इज एट पॉइंट सी। सो माई क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट, क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो, कि इस टोटल पोटेंशियल, इस टोटल सिस्टम की जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाए। क्या उन्होंने की किस वैल्यू पर इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो मुझे आपने ये बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। अब तक भव्या विरमानी, वंशिका नारंग, हिमांशु, भवान सिंह, दे आर डूइंग फिनोमिनल जॉब। कभी कभार हिमांशी कमेंट कर देती है, और निशांत भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बच्चों इसी तरह से रिस्पॉन्ड करते रहो, हमारा एक छोटा सा परिवार है क्वांटम परिवार, हम उनके कमेंट्स पढ़कर उनके डाउट्स लेकर बड़ा खुश हो जाते हैं, और कुछ अब नए बच्चे भी जुड़ने लगे इस चैनल से, तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस छोटे से संसार में। 332 सब्सक्राइबर का हमारा एक छोटा सा परिवार है, तो वीडियोस को देखते रहिए, आप ही का सपोर्ट है। आज 332 है, कल को शायद 3 मिलियन भी हो जाए, तो कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू एंड योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।